हेलो दोस्तों, आप लोग का आज ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह का फ़ोटो कैसे लगाना है अपना कॉन्टेक्ट के अंदर। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। और इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पे सर्च बार में लिखना है माय फोटो फोन डायलर, इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। फिर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन देखिए हो रहा है, इस तरह होगा। तो जहाँ आपको ब्लिंक कर रहा हो उस पर टैप करना है, यहाँ पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे कस्टम स्टाइल पर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पर टैप करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए हरा वाला आइकन दिख रहा होगा, उस पर ब्लिंक कर रहा है, इस पर टाइप करना है। अब आपको यहाँ लाल वाला ब्लिंक कर रहा है तो लाल पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे मैसेज में ब्लिंक कर रहा है तो इस पर टाइप करना है। अब आपको यहाँ जो डिसेबल टॉप टू डायलिंग है उस पर दो बार क्लिक करना है, एक दो। अब आपको यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इस पर हरा वाला आइकन पर क्लिक करना है। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है, अलाउ कर देना है। फिर इस पर क्लिक करना है, नीचे वाला पे अलाउ कर देना है। फिर स्टोरेज पर क्लिक करना है, इसको भी अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे भी अलाउ हो गया है, अलाउ आपको नहीं होगा तो कर देना है। अब आपको यहाँ पर फ़ोन स्टार्ट पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि पीछे के बैक करना होगा, बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे भी आपका बैक होता होगा वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। हमको यहाँ से बैक होता है तो बैक कर दिए। अब देखिए बैक करने के बाद में इस तरह का पेज आएगा, खुलकर इस तरह का आ जाएगा। तो आपको एक प्रचार देखने को मिलेगा, इसको कट कर देना है। प्रचार के बाद में अब आपको इस तरह का पेज आ जाएगा खुल के। तब आपको देखिए यहाँ आपको करना कुछ नहीं है, आपको लगाना है तो डायलर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा नीचे साइड में, इस यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस पर टाइप कर देना है। ब्लिंक कर रहा तो हट जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना है पिंक इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। अब पिंक इमेज पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से कोनो फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, चाहे इस सेलेक्ट कर लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हाथ से जूम करके। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपको फोन डायलर ओपन करना है, बैक कर देना है। देख सकते हैं कि हमारा फोन डाला कहीं पर भी। अब देख सकते हैं कि यहाँ अप्लाई हो चुका है इस तरह का। तो आपको भी अप्लाई इसी तरह कर लेना है। अगर कीबोर्ड में जाए तो यहाँ पे भी आ चुका है फोटो। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले देता हूँ। अब आपको इसी तरह डायलर पैड में अपना फ़ोटो खुद का लगाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।